साथियों नमस्कार, मैं साक्षी मेहता 91 न्यूज़ 9 से आपका स्वागत करती हूं। एक दिन पहले ही जहां मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर की तारीफ की और कहा कि प्रदेश में कोरोना पर कंट्रोल हो गया है, लेकिन इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने कोरोना के आंकड़ों की बाजीगरी और कोरोना के लिए जमाती जिम्मेदार हैं जैसे बयानों पर जमकर हमला बोला। आइए देखते हैं क्या कहना है किशोर कोडवानी का। यह है इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी, जिन्होंने शुक्रवार को राजबाड़ा पर अहिल्या प्रतिमा के समक्ष सांकेतिक धरना दिया और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दावों को गलत साबित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं और हकीकत कुछ और है। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि कोरोना के मरीजों को धर्म के आधार पर बांटा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों की सूची में हेराफेरी की गई है। जो सूची जारी की गई है उसकी समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि आंकड़े खुद ही अपनी कहानी बयां कर रहे हैं कि दुनिया और देश में सबसे अधिक कोरोना प्रभावित इंदौर में कैसे और क्यों हुए। 9 अप्रैल को जो सूची मुझे मिली थी उसमें 241 की सूची मिली है और इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रेस रिलीज किया उसमें 235 बताए, राज्य सरकार ने 235 बताए। मृतकों की संख्या में इंदौर ने 23, राज्य सरकार ने 26 और सूची में जो अप्रैल की मिली थी उसमें 23 हैं। और जब आखिरी दिन की जो सूची मिली है उसमें अलग अलग तारीखों में जो एंट्रियों को उस तारीख पे कन्वर्ट किया तो 41 मृतक मिले। सूची में 241 में से 2 नाम उड़ा दिए, 4 नाम बढ़ा दिए, 5 नाम अलग अलग तारीखों पर एंट्री की हुई है। मुसलमानों के बारे में इनने बात उठाई थी, पहले 6 दिन के अंदर 67%, दूसरे 6 दिन में 87%, तीसरे में 61% और टोटल जब 74 दिन का हिसाब बनाया तो 23% मुसलमान हुए। जबकि टाट बट्टी वाखल और मिल एरिया का कोई आपसी संपर्क नहीं है, न व्यवहारिक, न व्यवसायिक, न नौकरी पेशे का, न जाति धर्म का। जोड़ा है 15 मई से इस रिकॉर्ड को, धर्म आधारित बांटा है। अब इनसे पूछो कि क्या क्रिश्चियन हिंदू है, क्या बौद्धी हिंदू है, क्या जैनी हिंदू है, क्या सिख हिंदू है, इन सबको हिंदू की कैटेगरी में डाला है। पहली बात तो मरीज और मौत धर्म आधारित होती ही नहीं है। ये कैसे इंदौर प्रशासन ने या राज्य सरकार ने ये बायफिकेशन किया?